नाजरीन NH1 न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम में इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। ICDS प्रोजेक्ट वावरा की तरफ से पोषण अभियान के तहत एक सेमिनार मुनक्कद किया गया जिसमें DDC वाइस चेयरमैन हाजी फारूक अहमद मीर मेहमान खुसूसी थे। इनके हमरा BDC वाइस चेयरपर्सन मोहम्मद रफी कटारिया आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से कई रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्कद कराए गए। सेमिनार में CDPO अब्दुल कयूम वानी मेहमान जीवाकार की हैसियत से मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर जहांगीर अहमद सुपरवाइजर के अलावा सरपंच और पंच भी मौजूद थे। DDC वाइस चेयरमैन हाजी फारूक अहमद मीर ने अपने खिताब में कहा है कि पोषण अभियान प्रोग्राम कराना बहुत ही खुशाइंदा कदम है और इससे आम लोगों के साथ साथ हमारी बेटियों, बहनों और बच्चों को सेहत के मुतलिक जानकारी हासिल होती है। वहीं CDPO अब्दुल कयूम वानी ने कहा है कि आंगनबाड़ी ने हर फील्ड में काम किया है और पोषण अभियान जैसी स्कीम को भी अमलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को आगे भी ले जाया जाएगा। वानी साहब या मेरे अजीज नून हसन इंदराबी साहब, जुनेद भाई सब आए हैं, इनका भी मैं वाजा में इस्तकबाल करता हूं। हमें पता है कि आप लोग, आपके बगैर भविष्य सरकार का नुमाइंदा होने के बावजूद आपकी खिदमत के बगैर कौन आगे नहीं चल सकता है। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे मेरी बहन आशा वर्कर हो, चाहे कोई भी है, मतलब कन्वर्जन मैं आपने काम किया भलाई के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अमन अमान के लिए, इसका मतलब पूरा आपको पता है। इसकी कितनी स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमें वो हर घर तक पहुंचानी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हर एक महीने में छोटा मोटा एक एक प्रोग्राम ये हर पंचायत में कीजिए, क्योंकि इन प्रोग्रामों से हर एक आदमी को ये पहचान मिलेगी कि आखिरकार हमें करना क्या है, हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी, हमारे बच्चों की जिंदगी कैसे बदल सकती है, हमारी मां बहनों की जिंदगी कैसे बदल सकती है, हम सफाई कैसे रख सकते हैं, सुथराई कैसे रख सकते हैं, अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं, हमारा खाना पीना कैसे होना चाहिए, हमारा जिस्मी जो तनाव है ये कैसे होना चाहिए, कम से कम हमारे बच्चे जो माजूर हो रहे हैं या हमारी जो मां बहनें जान दे रही हैं, मतलब जिस्मानी कमजोरी की वजह से, इंशाल्लाह मैं आंगनवाड़ी खंड जो मैं टेम के कुर्सी जुजत्रे ते बैठे अब ये कर आप इमन नहीं जाए कि ये कर सो विद नो टाइम तो यूज आगे मन आंगनवाड़ी वाले अमन आंगनवाड़ी मेरा अमन वाइफ थोड़ा बहुत साइन तरफ रस है नंबर आप नंबर से आंगनवाड़ी खाता अच्छी चाहिए वर्कर चाहे हेल्पर चाहे इमन कर तो अस काम इमन चुन अज बराबरी कसा कि इमन चुन मैक्सिमम जात को मजा यूज है ऑनरेरियम में जमा छ जो हम ऑनरेरियम इनको दे रहे हैं वो इनको सिर्फ तनखा किराए पर खर्च होता है, इनको कुछ नहीं बचता है। मेहरबानी करके इनका जो ऑनरेरियम है इसको बढ़ाया जाए, जैसे दूसरे बड़े स्टोर में है दिल्ली में है उस हिसाब से इनको बढ़ाया जाए। नंबर एक। नंबर दो, हमारे इस आंगनवाड़ी वर्कर्स में माशाल्लाह PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएटर्स हैं, ग्रेजुएटर्स हैं, उनके लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके पास पोस्ट वैकेंट है, आप क्यों नहीं इनसे बात इनको प्रमोशन करते हैं, इनको प्रमोशन कीजिए ताकि
हमें जो मेन पावर है इस वक्त हमारे एक एक सुपरवाइजर को तकरीबन 20-20 30 सेंटर है, क्या करेगा वो? कम से कम एक सुपरवाइजर हर की व्यवस्था सुद्रम छ ना कि बोला गलत माना 100% मत कर दो कि 50% करो ना 50% करो ना यम साथ में ब्रेक करो ना डिवाइन लॉ इस साथ इस लॉ करो ब्रेक खुदा सुन इस कामयाब हो जाने की इसकी टेक्नोलॉजी बाहर से इस बराबर बाहर रहता है कुछ उम्मीद इस करो सीरियस पन पन तरफ यूं टीम का सेवा करने वन में उन पे वसो पूर या फिकर सान और उन पे करो गोल और मेट थाओ और मेहनत करो कि चीज यू मशवर अपनाओ अपनी जिंदगी में पहली अपने दिल की भी गहराई से आप मीडिया पर्सन का बहुत मशकूर हूँ जो यहाँ पर आए मेरे दाएं बैठे मेरे बड़े भाई जावेद साहब या कुयूम साहब मेरी तरफ से आपको सलाम अलैकुम क्योंकि एक बरकी सी स्कीम है पोषण अभियान सितंबर 1 से 30 सितंबर तक इसको मनाना है हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर आपने देखा होगा इससे ये साफ जाहिर होता है कि आंगनवाड़ी जो है आंगनवाड़ी की ICDS डिपार्टमेंट किस लिए सरकार ने बनाया है आज तक अवेयर नहीं मतलब पहले जमाने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी ये आपको पता है इसमें ज्यादातर औरतों का रोल है हमारी माओ बेटियों का रोल है इसीलिए इस पोषण अभियान को बनाया है पोषण मीन्स क्या है अभियान मीन्स वो एक प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसमें आता है सब कुछ जितने भी औरतों के रिलेटेड प्रोग्राम है या मेरी बहनों के मतलब उसमें इसके लिए ये यूनियन मरकजी सरकार का ये प्रोग्राम है जो हर एक CDP हेडक्वार्टर पर मनाया जा रहा है सर आपके मैंने अपने शायद आपने सुना होगा मैंने अपने सरपंच साहब को ये बताया कि आप लैंड जरा दीजिए बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग हम बनाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी जहाँ पर भी कुहावराई में नहीं जहाँ पर मुझे आप बताओगे जहाँ पर भी हो वैसे तो वाइस चेयरपर्सन जिला तो मैं आपकी बात रखूंगा ये मेरी जिम्मेदारी और ड्यूटी सर इसका मकसद है कि कुपोषण कोई ले रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो बहनें हैं जो लड़कियाँ हैं तो बहुत सारी जिस तरह अगर देखा जाए तो कमजोरियां हैं हमें अभी बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं तो आपको लगा ना ये प्रोग्राम यही मतलब शुरुआत है इसकी आज तक सिर्फ नाम मतलब रजिस्टर पर हुआ करता था ये नाम अब वो जमाना चला गया आज हम तरक्की की ओर जा रहे हैं हमें ये सोचना है कि हर एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की उसको आवामी फायदे के लिए लॉन्च किया जाता है जितने भी इसमें होंगे प्रोग्राम जितने भी वो हर एक सीडियो को आपको पता है इसके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं खासकर मेरे सरपंच साहबान ये घर घर गाँव गाँव पहुँचाना यदि कोई प्रेगनेंट लेडी होगी मेरी बहन कोई बच्चा होगा आपको पता है एज के हिसाब से इनको ये राशन वगैरह मिलती है आज कोविड में भी हर जगह मिलता है ये हम इनके बहुत मशहूर हैं इन मेरी बच्चियों ने कोविड में भी कोविड महामारी में भी जो अपनी ड्यूटी थी उसके लिए इनकी हमने बात की है तो ये बदकिस्मती है अलमिया ये नहीं होना चाहिए था वो भी लोग थे जिन्होंने उनको रोजगार दे दिया था हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि इस पर नजर मरकजी मंत्री यहाँ आ रहे हैं देख रहे हैं कि सच्ची तरह जितना भी पैसा मरकज से आ रहा है वो ग्रास रूट लेवल पर हो रहा है क्योंकि आज चीटिया सिस्टम यहाँ पर है मजबूत पंचायत राज है पंचायत राज को हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये हर एक देहाती का राज है आपका राज है मेरा राज है अवामी राज है इसीलिए वो लोग यहाँ पर आते हैं देखिए किसी जगह मुलाजमत तो ड्यूटी है अगर कोई मुलाजमत अच्छी तरह नहीं करेगा तो आपको पता है तनख्वाह किस बात की लेगा अब क्या वावरा में किया मैंने रिसेंटली यहाँ पे वावरा में ज्वाइन किया है ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह की सूरत में चल रहा है पोषण माह पोषण अभियान स्कीम का नाम है और पोषण माह जो है ये सितंबर गवर्नमेंट ने डिजिग्नेट किया है सितंबर का महीना हर साल इसी तरह 2021 जो आज चल रहा है इसमें 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमने ये मेगा सेमिनार जो यहाँ किया अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें सारे हमारे सरपंच साहिबान थे DDC चेयरमैन साहब थे या DDC हमारे वाइस चेयरमैन जिले के वो भी आए हुए थे बाकी अफसरान भी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा रहा जो हमारा मकसद था लोगों को अवेयर करने का लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का या अपनी स्कीम्स को पहुँचाने का सही ढंग से सही तरीके से हमने कोशिश किया है कि पहुँचाए हम इन तक पहुँचाए जैसे हमने कुछ ड्रामे भी यहाँ तक आपने कहा पेंडेमिक या और
कोई काम, जो भी काम है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने वबा की बात करेंगे, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे COVID-19 का ये जो हमारा जो आज तक जो वबा की सूरत में एक शक्ल इख्तियार कर दी थी इसने बीमारी ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर्स ने शाना बशाना कदम कदम हेल्थ वालों के साथ काम करके जितने भी रिस्क थे उन्हें झेल कर तो हर एक जो है गांव में, हर एक घर में पहुंचे वैक्सीनेशन के लिए या बाकी चीजों के लिए। यहां पर अगर जब क्वारंटाइन सेंटर से तब भी हमारी वर्कर्स ने क्वारंटाइन सेंटर उसमें हिस्सा लिया एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स के तहत, तो इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में या कोई भी काम हो उसमें वर्कर शाना बशाना आगे सबसे आगे काम करते रहे, तो इंशाल्लाह तो आगे भी हम काम करते रहेंगे क्योंकि हमारी अपनी सोसाइटी है, तो सोसाइटी के लिए तो हमने काम करना है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ का जो हमें नया CDPO साहब आया है रुपयानी साहब, मैं उसका जबरदस्त मशकूर हूँ, उसको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि रिसेंटली उसने यहाँ पर ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते ही उसने एक अच्छा प्रोग्राम किया है और मैं दिल से इनको मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह हमें अपने जो अपना हमारा CDPO साहब है बहुत हार्ड वर्कर है क्योंकि उसको हम बहुत पहले से जानते हैं, तकरीबन 85 से हम उसको जानते हैं, ये बहुत हार्ड वर्कर है। इस पर हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये आइंदा भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए क्योंकि ये ICDS जो है ये लोगों के घरों से मुंसलिक है और लोगों के सेहत से भी इसका वास्ता है, तो हम उम्मीद रखेंगे कि ऐसे ही आइंदा भी ये प्रोग्राम करेंगे और इस